नमस्कार। ज्ञान संहिता में आज दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे। थोड़ा पहले अध्याय में आपको वापस दोहराऊं। पहले में हमने जाना एक साक्षी भाव से कि हमारा जन्म एक नाम मिला, अलग अलग रिश्ते, एक यात्रा के समान चलेंगे हमारे साथ और अंत में हमारी जीवन यात्रा समाप्त होगी और एक नई यात्रा के लिए हम तैयार रहेंगे। साथियों, ये मैंने प्रायः देखा है कि क्योंकि मैं एक हीलर के रूप में भी अधिकांश जो समस्या आती है वो अटैचमेंट्स के कारण आती है। आप भले ही एक माँ है, एक पिता है, सामान्यतः माता पिता अटैचमेंट की ज्यादा आती है, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, उनका चिंतित होना भी स्वाभाविक है। लेकिन हम कहेंगे कि आप क्योंकि अब ज्ञान में आ रहे हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, अपने आप को थोड़ा अलग हटके देखें कि यू आर ए वन सोल, आप एक डिफरेंट सोल है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ एक अलग डिफरेंट सोल है और आपके यहां जो बच्चा हुआ है वो अलग एक डिफरेंट सोल है। वो बात अलग है कि ऑलमाइटी ऊपर वाले ने आपको एक माध्यम बनाया है उस सोल को लुक आफ्टरिंग करने का। आप अपना दायित्व पूरी तरह निभा रहे हैं, बच्चे की तकलीफ का एहसास उससे ज्यादा आपको होता है। तो एक कहीं ना कहीं आप यह बात स्वीकार भाव से मान के चले कि वो जो सोल आपके घर में है, आपके बच्चे के रूप में, आपके बिटिया के रूप में, आपके पति के रूप में, वो एक अलग जर्नी है उसकी। उस जर्नी में उसको कहीं पेनलाइज भी होना है, कहीं रिवार्ड भी मिलने हैं। तो ना उसके रिवार्ड होने पे अपन इतने खुश हो, ना उसके पेनलाइज होने में अपन इतने दुख हो। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन यूर जर्नी। आप अपनी यात्रा के प्रति सजग रहे। मैं नहीं बोलता कि अपनों की जवाबदारी भूलना नहीं, लेकिन उन जवाबदारियों को इतना हावी अपने ऊपर ना करें कि आपका मन अप्रसन्न है और आपकी यह सोच दुखी रहे। अगर गीता पढ़ा होगा आपने तो गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, ये सब तेरे भाई बहन है, कहीं नहीं मरने वाले, ये यहीं रहने वाले हैं, एक दूसरी योनि में जन्म ले लेंगे। तो ये जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, अपना अलग पूर्वार्ध लेकर आए हैं और अपना अलग भाग्य लेकर आए हैं। बस आपको तो इनको एक रास्ता दिखाकर संवारना है। आगे इनका रास्ता कौन सा मुड़ेगा वो न आप जानते हैं, न मैं जानता हूं, न परमपिता परमेश्वर जानते हैं। परमपिता परमेश्वर ने उसका सॉफ्टवेयर डाल के उसका नाम, जो भी नाम, इतना रिंकी पिंकी नाम बच्चे का देके डाल। बच्चा घर में अच्छा अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो भी आप रहे, खराब पढ़ नहीं रहा है, एक प्रॉपर माहौल देने का कोशिश करें, लेकिन वो माहौल देने में आप अपने मन को अप्रसन्न ना रखें। सामान्यतः हमने देखा कि कई लोग इतने बहुत ज्यादा ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा, आपका बच्चा अगर 50% मार्क ला रहा है तो 50% का प्रणाम करें, उसके बाद 50% को 60% में लाने की कोशिश करें, बजाय 90% को टारगेट करने की। आपका बच्चा जो भी है एक अलग उपलब्धि, एक अलग ऊर्जा के साथ है, वो किसी और बच्चे के साथ तुलनी नहीं है। और किसी बच्चे की सफलता को हम उसके परसेंटेज से नहीं जोड़ सकते, बड़ी प्रायोगिक भाषा में आपसे बात कर रहा हूं। तो वही वापस लेकर आता हूं कि यूर डिफरेंट जर्नी, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं इनकी भी अलग अलग जर्नी है, पर इसमें आपका पार्ट जो मेन रोल रहेगा कि एज ए वाइफ और एज ए फादर, एज ए सन, जो आपको दायित्व मिला था उसमें आपने किसका जस्टिफिकेशन किया। आप अपने हिसाब से किसी का भविष्य नहीं लिख सकते, उसका भविष्य तो ऊपर वाले लिख दिया। हाँ, उसको थोड़ा प्रॉपर आप रास्ता दे सकते हैं, जिस प्रकार गुरु करता है कि वो रास्ता है उसमें थोड़े आपने स्ट्रीट टैग लगा दी ताकि वो उसको बराबर दिखे, लेकिन चलना तो उसको वही रोड पर है जो उसके पूर्वार्ध में लिखा है। साथियों, मैं ज्ञान संहिता के माध्यम से आपसे रूबरू होता हूं 5-5 मिनट के टॉक देने के लिए, जो कि मुझे लगता है मेरे हीलिंग एक्सपीरियंस और मेरे साइकिक रीडिंग इतने अंतरराष्ट्रीय स्तर में लोगों के करी है, उसके बाद जो मेरे का कुछ अनुभव
मैं आपसे शेयर करूं। उसको शेयर करने के लिए मैंने कहा ज्ञान संहिता का नाम दिया। जस्ट बी ए वीवर इज ए मदर इज ए फादर, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, जो भी साक्षी भाव से अपने रोल को देखें, जो भी हो रहा है उसको स्वीकार भाव से करें, बस इसमें यह देख रहे हैं कि इसको और अच्छा आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। जहां अंदर आपकी अंतर आत्मा से आवाज आती है कि हाँ मैं और कर सकता था, तो आप थोड़ा और प्रयास कीजिए, लेकिन रिजल्ट परिणाम अपने अनुरूप ना सोचने की कोशिश करें। यू आर जस्ट लाइक एन एडवोकेट, जज इज अ टेस्टर, ऊपर है, तो आप तो अपने कर्म करिए और उसके फल से आप ना उसके अज्ञान भय से आप चिंतित हो, अपने आप को पसंद रखें, मन को पसंद रखें। और अंत में मैं यही कहूंगा कि सामान्यतः जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं कि हमने जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, हमने जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, तो कोई बातों को मन में ना कैरी करते, अपने मन को प्रसन्न रखें। आप प्रथम कार्य आपका और मन आपका प्रसन्न है तो आपके आवंटी जितने रोल है आपके पास, पिता पाता सब सभी रोल अच्छी तरह उसको परफॉर्म कर पाएंगे। नमस्कार, खुश रहें, खुश रखें।